गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोहली समाज को मां झलकारी बाई के नाम से सामुदायिक भवन की सौगात दी। इस मौके पर कोहली समाज के लोगों ने नरोत्तम मिश्रा का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झलकारी बाई के नाम से सामुदायिक भवन का उद्देश्य लोगों को एकत्र करना और त्याग की मूर्ति झलकारी बाई के बारे में अवगत कराना है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, झलकारी बाई त्याग की मूर्ति है। उनके बलिदान के बारे में आने वाली पीढ़ी को जानकारी देना हम सबकी जवाबदारी है। अच्छे व्यक्तित्व की जानकारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार देती है। उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि यह भवन प्राइम लोकेशन पर है, इसीलिए यह सामुदायिक भवन अधिक से अधिक लोगों के काम आए, ऐसी सोच रखें। उन्होंने एक अन्य कार्यक्रम में बुंदेला कॉलोनी में अमृत योजना के तहत 86 लाख रुपए की लागत से तैयार सीवर लाइन का लोकार्पण किया। और मातृशक्ति से प्रार्थना के अपनी आने वाली पीढ़ी को माँ झलकारी बाई के जीवन के बारे में अवश्य बताएं। किस तरह से निष्ठापूर्वक और सेवा पूर्वक त्याग, और त्याग भी वीरांगनाओं वाला त्याग, त्याग भी बलिदानी त्याग, वफादारी त्याग, ये अगर कहीं सीखना हो बलिदान के बारे में तो माँ वीरांगना झलकारी बाई के जीवन से हमें सीखना चाहिए। सबक पूजा इसलिए भी करनी चाहिए कि अपने यहां कहावत है कि पूजे की नहीं गई भीड़ तो ये पंथ कौन अपनाएगा, और तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां लगाएगा, पूजेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बक्ष पर खाएगा, और धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। इसलिए इन सभी वीरांगनाओं का अभिनंदन वंदन कोटिश होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाऊंगा इस काम को। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। अब सवाल आता है इस स्थान का। मेरे ख्याल से हमने जब शुरुआत में जो जमीन, जो भवन, जो राशि दी, उनमें से एक ये कोली समाज को सबसे पहले हमने इस स्थान दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।